बोले अपना रे, कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में, जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को तब दीने हम समय। तो आओ अपना योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा, योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजू डांगे महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से विभूषित। तो सभी भाई बहनों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए डांगे सर का स्वागत, वेलकम कीजिए। डांगे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में, और आपसे निवेदन निवेदन आप आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आनंदमल सर, संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो निश्चित रूप से आज की कक्षा हम शुरू करेंगे। आप सभी को पता है कि अलग अलग ट्रेनर सेवाएं देते हैं, लेकिन आज मेरा अवसर है सेवा देने का इस त्रिवेणी संगम में। आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। शुरुआत में हम आधा आधा घंटा करीबन इंटीग्रेटेड योगा पे बात भी करेंगे और आसन भी करेंगे, और बाद में एक इंटीग्रेटेड योगा यानी अनेक पैथी का कॉम्बिनेशन उसमें किया है, और योगा के साथ में आसन के साथ में हमारा प्राणायाम भी जोड़ा है, उसके साथ में हठ योगा है, अष्टांग योगा है, इसका भी कॉम्बिनेशन किया है। इसलिए हम जो हैप्पी थॉट्स का एक ध्यान है वो भी आधा घंटे करने वाले, क्योंकि ध्यान महोत्सव सिल्वर जो भी ध्यान महोत्सव शुरू है तो उसके अंतर्गत एक ध्यान प्रक्रिया क्या होती है, उसकी बेनिफिट क्या है, ये भी एक आधे घंटे के हम क्लिप 25 मिनट से देखने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और लंबी गहरी सांस लेंगे। ओंकार का उच्चारण करेंगे, महाध्वनि ओम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्यो मोक्ष्ये यमामृतात्। ॐ असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतांगमय। ओम सहना वहतु, सहना भुनत्तु,
वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु महाविद्विषामहे। ओम शांति शांति। दोनों भी हथेली का घर्षण करेंगे, चेहरे को ऊर्जा देंगे और धीरे से अपने अपने सुंदर कोमल आंखें खोलेंगे। तो चलिए हम थोड़े से रोटेशन कर लेते हैं, अपने ही जगह खड़े रहते, पाव की मूवमेंट से हम शुरू करेंगे। अपने जगह खड़े रहते, पाव की मूवमेंट्स करना है हमें, बिल्कुल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पाउस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नी रोटेशन करेंगे बाद में, घुटनों का रोटेशन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, कमर का रोटेशन, वेस्ट रोटेशन, और धीरे से बिल्कुल करेंगे हम वेस्ट रोटेशन करेंगे। दो पांव में विट्ठल जैसी पोजीशन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, बाद में रिस्ट रोटेशन, फिंगर रोटेशन। पहले तो फिंगर रोटेशन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। आर्म रोटेशन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इजिली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। शोल्डर रोटेशन अभी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोनों भी हाथी लेकर रोटेशन करेंगे हम अभी। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, ग्रेट। अभी करेंगे हम ताड़ासन, बिल्कुल हथेलिया। जितना ऊपर जा सकते हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और जितना खिंचाव महसूस करेंगे उतना अच्छी बात, बिल्कुल। धीरे से नीचे आएंगे और एक बार करेंगे हम ताड़ासन। धीरे से नीचे, ओके। अभी करेंगे थोड़ा अंतर पांव में त्रैंगक ताड़ासन, तिरछा हो जाए, छाड़ को तिरछा किया सकते। ओके, दूसरे साइड, ग्रेट ग्रेट। अभी नमस्कार आसन, वृक्षासन, पर्वतासन। नमस्कार पोजीशन में, उसके साथ में हम करते हैं वृक्षासन, पर्वतासन। ऊपर से कोई हाथ अपना खींच रहा, इस टाइप से बिल्कुल ऊपर जाएगा स्ट्रेट। मन की एकाग्रता बढ़ती है, चंचलता कम होती है, विचार शून्य होने में मदद होती है। धीरे से आसन स्थिति छोड़ेंगे। नेक्स्ट, बिल्कुल ओके। अभी हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों भी हथेलियां छाती पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ग्रेट। बाद में शोल्डर पे, 1 2
4, 5, ग्रेट। ओके, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, मेरुदंड के लिए बेहतरीन व्यायाम, बिल्कुल ए पोजीशन में हम रहेंगे और सिंपल, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ग्रेट। अब ये कर रहे हैं ब्रीथिंग, हम सांस के लिए, लंग्स के लिए सांस लेना है, सांस छोड़ना है। ओके, लंग्स के लिए बेहतरीन व्यायाम, वे सिर्फ सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं। ओके, उसके बाद में करेंगे हम त्रिकोणासन। त्रिकोणासन, दो पाव में अंतर, एक पाव लेफ्ट साइड में बिल्कुल इस टाइप से, उसके बाजू में हथेलिया और हमारा हाथ ऊपर, दृष्टि उंगलियों की तरफ, त्रिकोणासन। अब दूसरे साइड में, यही साइड में, नेक्स्ट, बढ़िया, बहुत चलिए। त्रिकोणासन के बाद में वीरासन, वीर आसन। अब इसमें भी कपालभाति आप कर सकते हैं, ये हो गया इंटीग्रेटेड योगा, आसन और प्राणायाम का कॉम्बिनेशन। ओके, बिल्कुल, दोनों के लिए सामने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हिप बोन के लिए सिंपल एक्सरसाइज, हमारे हिप बोन के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, और एक सिंपल सा हिप बोन के लिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, गुड, बढ़िया। चलिए अब सिर्फ 3 सूर्य नमस्कार हम निकालेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए रेडी, नमस्कार पोजीशन में, कमलते आप बैठे बैठे बिल्कुल कर सकते हैं, जो भी मूवमेंट्स आपको करना है। ओके, ओम मित्राय नमः, एक नमस्कार आसन, उर्ध्वहस्तासन, बालहस्तासन, अश्वसंचालन, पर्वतासन, एडिया टच रहेगी आदि की और दृष्टि है, हस्त नमनासन, पेट कमर ऊपर है, भुजंगासन, धीरे से आएंगे हम पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, लेफ्ट पाव सामने, दो हाथों के बीच, पाद हस्तासन, उत्तरहस्तासन, नमस्कार आसन, ओम रवे नमः, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ओम सूर्याय नमः, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ओके, सूर्य नमस्कार हो गया, उसके बाद में चेयर आसन करते हैं, कुर्सी आसन, बिल्कुल
को मूवमेंट्स करेंगे। ओके बढ़िया। बाद में नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बढ़िया अभी करेंगे हम। बिल्कुल दोनों व्यक्ति लेकर पूरा रोटेशन हमने किया है। अभी थोड़ा सा हनुमान जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बढ़िया ग्रेट। थोड़ा रस्सी पे जंप मार 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए आम भी तोड़ 1, 2, 3, 4, 5। ग्रेट ग्रेट बढ़िया। चलिए अभी हाथ ऐसे रखें, मूवमेंट्स करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इजीली 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर से नीचे। वाह वाह ग्रेट ग्रेट। चलिए दो पाँव में अंतर, शोल्डर लाइन में हथेलियां रोटेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बढ़िया ग्रेट। अभी नीचे झुककर विरुद्ध अंगूठे को टच करेंगे, शोल्डर के लाइन बिल्कुल हथेलियां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत सुंदर। चलिए इसका काउंटर पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। बहुत मस्त। चलिए 2 मिनट के लिए रेस्ट करते शवासन में, सिर्फ 2 मिनट के लिए शवासन में लेके। शवासन में हम पड़े हैं, संपूर्ण लक्ष्य हमारी सांस की ओर और एक-एक अंग से हम प्रवास करेंगे। हमारी पाँव की उंगलियां, तलवे, एड़िया, घुटने, मांडी, कमर, पेट, छाती, रीढ़ की हड्डी, शोल्डर, कोनिया, दंड, तलवे, दोनों भी हथेलियां, रिलैक्स, गर्दन, गाल, होंठ, नाक, आंखें, संपूर्ण चेहरा, संपूर्ण शरीर रिलैक्स, बिल्कुल शांत, कोई तान नहीं, तनाव, हर एक कोशिकाओं में हम पहुंच रहे, हर एक सेल में हम पहुंच रहे। बहुत सुंदर फीलिंग, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। शरीर पे कोई तान नहीं, तनाव नहीं, बिल्कुल सहजता से हम कर, बिल्कुल सहजता। जो लेटे हैं वो धीरे धीरे करवट बदलेंगे, उठ कर बैठेंगे। ओके अभी तक हमने धीरे धीरे उठना है, बिल्कुल हाथ पाँव की मूवमेंट्स करके राइट हैंड का सहारा लेकर उठ कर बैठ सकते हैं। अभी तक हमने प्रार्थना, कुछ वार्मिंग अप, सूर्य नमस्कार, कुछ आसन खड़े स्थिति के किए। अभी बैठे स्थिति के लिए सिंपल सिंपल व्यायाम करेंगे। बिल्कुल। और इंटीग्रेटेड कैसा होता है ये भी बोला जाएगा कि इंटीग्रेटेड जब आसन और हम प्राणायाम का, दो आसनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, दो पैथी का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उसे इंटीग्रेटेड योगा बोला जाता है। जैसे कि हम अभी करेंगे मंडूक आसन। मंडूक बोलेंगे तो बेडूक, ये शुगर के लिए बहुत सुंदर है। जब आपको शुगर मधुमेह कम करना है तो बिल्कुल सांस छोड़ना है, ये मुट्ठी बांधकर नाभि के पास रखना है और उसमें कपालभाति करेंगे। जब हम नीचे झुकेंगे तब कपालभाति करना है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड योग।
साथ छोड़ना है बिल्कुल, और दृष्टि आगे, अब इसमें कपालभाति। ओके ऊपर बिल्कुल, अभी ये समय की सीमा है, ये आप घर पे जितने बार करेंगे उतना रिजल्ट आपको आएगा। अभी करते हैं हम अर्धचंद्रासन, अर्धचंद्रासन बिल्कुल, उसमें भी कपालभाति करेंगे। ओके पूर्ण चंद्रासन या उष्ट्रासन, कैमल पोजिशन। देखिए ओके, आप सुन की सोलेंगे, कैट पोजिशन करेंगे, कैट बिल्कुल, नीचे स्पाइन नीचे गर्दन ऊपर, स्पाइन ऊपर गर्दन नीचे, काउ पोजिशन, कैट इसमें भी आप कपालभाति जोड़ सकते हैं बिल्कुल। डॉग पोजिशन, डॉग बु 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 बु, ओके पाव को सिर्फ ऐसा पीटना है। ग्रेट ग्रेट, अभी करेंगे हम मंकी, मंकी की पोजिशन बिल्कुल, हमारे ये पूरे चेहरे के लिए बहुत सुंदर सिंपल व्यायाम। ये हमारा ही ब्यूटी पार्लर हमारे पास है, जो धूप में जाओ बारिश में जाओ बिल्कुल इट्स अ नेचुरल ग्लो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अभी करेंगे हम ओके, सिर्फ गाल इसको हवा भरेंगे। अब जीवा बाहर निकालेंगे, अटैक आता तब जीप पीछे खींची जाती है, अभी अभी से आगे निकालेंगे। हाँ वाह, बाद में कान घ्या, जीवा को और एक्सरसाइज आप रोटेट भी कर सकते हैं अंदर के अंदर, और आपको विचार शून्य होना है, सकारात्मक विचार आना है, निगेटिव विचार कम करना है, तो ये जीवा को तालू को ऊपर लगाना, टच करना, कभी भी आपके जो थॉट्स आते ना अनवांटेड वो कम हो जाएंगे। ओके दांत की एक्सरसाइज, दांत एक दूसरे पे प्रेशर। ओके कान की एक्सरसाइज, कान को खींचेंगे, हमारे ब्रेन के भी बहुत सारे पॉइंट इसमें होते हैं, इसलिए बचपन में गुरुजी लोग कान खींचते थे स्कूल में। हाँ आंखों की एक्सरसाइज, दोनों भी ये बॉल पे प्रेशर देना है, सांस लेना है, प्रेशर जोड़ना है, उसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। बीच बीच में उस प्रेशर को रिलीज करना और कंटिन्यू करना कपालभाति। बढ़िया मस्त, अब थोड़ा सा हल्का सा मसाज, हमारी सबसे बड़ी थीन स्किन कोई होंगी तो ये पापने की स्किन होती है, यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा मसाज। अब दृष्टि को हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल, 5 बार क्लॉकवाइज, गर्दन सीधी रहेंगी, दृष्टि रोटेट करेंगी, और जब भी आपको लगेगा आंखों की थकावट है, आंखें रोशनी, तो हम जब चेहरा धोते मुंह धोते तब ठंडे पानी के छिटकारे मारना है, लेकिन आंखें बंद करके, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। बढ़ती उम्र के साथ दृष्टि की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल रोटेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट अपर डाउन सब 2-3 बार हम जब चेहरा धोते हैं तो उसको ठंड के पानी की छिटकारे अगर मारते हैं तो बिल्कुल अच्छे रहेंगे स्वास्थ्य। अब हमारा यहाँ पे ब्रह्म रंध्र होता है, उसको घर्षण करेंगे हम, जब पूजा करते तो तब यहाँ पे एक्चुअली पंडित लोग टच करने लगाते, तो ये उसका कारण ही है, ब्रह्म रंध्र में जाए समाधि। हमारे जो सप्त चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, और उसके बाद में होती है हमारे ब्रह्म रंध्र, उसमें समाधि लगा। बहुत सुंदर,
चलिए अभी हम करते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन, तो नाड़ी शोधन में क्या है, ये हमारे शरीर में एक दाई नाड़ी में इड़ा पिंगड़ा, राइट पिंगड़ा बोला जाता है, ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी, ये शीतल नाड़ी, ये उष्ण नाड़ी। तो इसका दोनों का जो नाड़ी बोले तो कोई ऐसा पाइप जैसा नहीं होता, ये सिर्फ ऊर्जा का स्रोत होता। हम जब सांस लेते तब ऊर्जा यहाँ से हमारे मेरुदंड से लेके लास तक जाती है, मूलाधार चक्र तक जाती है। जब राइट से नासिका से हम सांस लेते तो बिल्कुल मेरुदंड के राइट साइड से सीधी हमारे मूलाधार चक्र, सब चक्र को पार करते हुए ये ऊर्जा का स्रोत है। ये कुछ नस नाड़ी शरीर का ऐसा पाइप नहीं है, लेकिन हर नस नाड़ी को 72,000 जो नाड़ियां हमारे शरीर में है, तो ये सब ऊर्जा का स्रोत है। कहाँ कहाँ पे नाड़ी है, कहाँ कहाँ पे नाड़ियां नहीं है, लेकिन उसे नाड़ी बोला जाता है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर करना है, चक्र जागृत करना है, तो शिशुमा नाड़ी होती है दोनों के बीच में, उसको जागृत अगर करना है तो सबसे बढ़िया कोई उत्तम उपाय होगा तो वो है नाड़ी शोधन प्रक्रिया। नाड़ी शोधन, तो नाड़ी शोधन में क्या है, राइट अंगूठे से नासिका राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, जो छोटी उंगली और उसके बाजू की उंगली से लेफ्ट बंद करके, ये जो दो उंगलियां बीच में के यहाँ ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ पे हम रखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, और जब भी शुरुआत करना है तब लेफ्ट से करना है, और जब भी रोकना है तब लेफ्ट से ही छोड़ के रोकना है। कंटिन्यू करेंगे हम नाड़ी शोधन, उसके बाद में आज का हमारा ध्यान महोत्सव के अंतर्गत वीडियो भी देखेंगे। बिल्कुल नाड़ी शोधन, आंखें लगा के, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद है, और हमारी प्रक्रिया नाड़ी शोधन की शुरू है। बहुत सुंदर फीलिंग आप पाएंगे, हमारा सांस जो है हमारी मन, चंचल मन को स्थिर करता है, और चंचल मन अगर स्थिर होता है तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम नष्ट होती है। मन वढ़ाए वढ़ाए, मन बहुत चंचल है, क्योंकि अभी स्पर्धा का युग, अनेक गतिमान युग है, मोबाइल का युग, इसमें हमारी मन की चंचलता बहुत बढ़ गई है। जो 2004 में 2.5 मिनट हम स्थिर रह सकते थे, अभी 2024 में 47 सेकंड सिर्फ हम स्थिर रह सकते, इतनी चंचलता हमारी बढ़ गई। और ध्यान या अध्यात्म ऐसा मार्ग है, हर क्षेत्र में यशस्वी होने के लिए, सक्सेस होने के लिए दौड़ना पड़ता है, लेकिन इस क्षेत्र में दौड़ना नहीं पड़ता, रुकना पड़ता है, उल्टा है शास्त्र। और रुकते हैं, अंतर अवलोकन करते हैं, तो आपको सही मायने में जो शांति, सुख, समाधान मिलता है। बहुत सारे भौतिक जगत में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और शांति को खो जाते हैं। तो ये शांति अगर लेना है तो आपको आपकी दौड़ थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। बहुत सुंदर हम कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्रक्रिया, नाड़ी शोधन बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी यहाँ पे हम नाड़ी शोधन प्रक्रिया लेफ्ट साइड के साथ छोड़ के हम हमारे आज की जो प्रक्रिया है नाड़ी शोधन रुकते हैं। और अभी जो मैंने बोला था इंटीग्रेटेड योगा, इंटीग्रेटेड योगा में हमने अलग अलग आसनों का भी कॉम्बिनेशन किया है और हर आसन के साथ प्राणायाम को जोड़ने की कोशिश की है। तो इसके बाद में मैं जो बताने वाला है, जो यूनिफॉर्म मैंने पहना है, ये हैप्पी थॉट्स फाउंडेशन का है। हैप्पी थॉट्स क्या है, ये तेज ज्ञान फाउंडेशन है जो अभी उनका सिल्वर जुबली महोत्सव शुरू है। और सिल्वर जुबली महोत्सव 25 साल पूरे होने के नाते हर व्यक्ति तक ध्यान की अवेयरनेस पहुंचना चाहिए, ध्यान की प्रक्रिया समझनी चाहिए। तो कैसा है कि हर का ध्यान का प्रकार अलग अलग है, लेकिन डेस्टिनी एक है, मंजिल एक है। तो डेस्टिनी ध्यान के अनेक सारे प्रकार है। तो हमारा ध्यान जो है वो क्या हमें फायदेमंद है, क्यों करना चाहिए, तो कोई चैट बॉक्स में या डायरेक्टली वो हैंड राइज करके बता सकते हैं ध्यान क्यों करना चाहिए। मानसिक विकास कौन होते बोल, हैं, आत्म शांति मिलती है ध्यान से, मन एकाग्रता बढ़ती है ध्यान से, मन की जो चंचलता है वो कम होती है, विचार कम होते बराबर हैं, बराबर। और तो यानी जो नकारात्मकता हमारे अंदर भरती है वो कम होके सकारात्मक बनते हैं हम लोग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो हमारी नकारात्मकता कम होती है, सकारात्मकता बढ़ती है, और बहुत सारे आपने बेनिफिट्स बताए। अभी कॉन्सेंट्रेशन, पीस ऑफ माइंड, ये भी बताया है, बराबर। और क्या होता है, और क्या होता है? भाव जो है हमारे,
हाँ ध्यान की गहराई में जब हम जाते हैं तो हमें आत्मदर्शन होता है, कर्मणा शरीर से अलग यस जो हमारी आत्मा है उसके दर्शन हो सकते हैं। अगर हम ध्यान को के ओके साथ ओके साथ सब भाव शुद्धि है, हमारे भाव जब पवित्र होंगे, हमें कषाय मारे जाएंगे, हमारे नकारात्मक जो संस्कार टूटेंगे वो ध्यान के ही द्वारा हो सकता है। हमें आत्मदर्शन वाह इस तरह से नहीं हो सकता। मानव योनि में अगर हमने जन्म दिया है तो हमें वहां तक जाना चाहिए, एक क्योंकि यस यस बहुत बढ़िया बढ़िया। कोई बात करना चाहेंगे? बिल्कुल मधु जी, धन्यवाद। सुचिता जी बहुत मूलचंद धन्यवाद। जी डागा कुछ कहना चाहते हैं। मूलचंद जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, शांति हाँ मिलती है, अपने हाँ हाँ आप को आत्मा के अंदर अपने इन साइड जाने का उससे वो अपना प्रैक्टिस होता है, तो इससे बहुत सारे गुण है और इट वाह इज ए वाह एक्सीलेंट। थैंक बढ़िया, यू सर, बहुत थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत सुंदर विचार आपने शेयर किए कि ध्यान से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ध्यान से मेंटल पीस मिलेगा, लेकिन ये दीज आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द ध्यान। ये ध्यान की मंजिल नहीं है, ध्यान का लास्ट डेस्टिनी ये नहीं है। मोक्ष मेंटल पीस मिलना, मोक्ष कंसंट्रेशन बढ़ना, यस। तो दीज मोक्ष आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द ध्यान। हम अगर मुंबई को प्रवास को निकले या तिरुपति प्रवास को निकले तो बीच में क्या होता कि हम एंजॉय करते, नदियां लगती, निसर्ग लगता, उसका भी आनंद लेते। तो इसी प्रकार से हम ध्यान के यात्रा पे जब निकलते तो ये ऑटोमेटिक आपको कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, आपका आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी, आपको पीस मिलेगा। क्योंकि पीस क्यों मिलेगा कि हमारा जो अनेक अनवांटेड थॉट्स हो गए वो कम हो गए। अनवांटेड आदमी काम से नहीं थकता, विचारों से थकता है, वो भी निगेटिव विचारों से थकता है। दिन भर में उसको 60,000 विचार आते हैं, 1 घंटा अगर बैठता है और आंख लगाते हैं तो विचारों का स्पीड और बढ़ता है, विचार को उल्टी का मजा है। ये जब हम आंख लगाते हैं तो विचारों का स्पीड और बढ़ता है। तो ये विचार हमारे जो है बहुत, हम विचार शून्य होने में ऑटोमेटिक मदद होती है। अगर विचार शून्य अगर होते हैं, आपके थॉट्स बादल कम होते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको शांति मिलती है। ट्रैफिक जाम नहीं होती, ट्रैफिक जाम नहीं होती तो आपकी बुद्धि और अच्छी तरह से काम करती है, और अच्छी तरह से मजा आती है। और आपके जो पॉजिटिविटी डेवलप होती है, आपके जब आपका जो मधु जी ने बताया लास्ट डेस्टिनी, हमारे सो का दर्शन होगा। हमारे सो के क्या हो जाता, हमारे सो पे अभी हम संसार शरीर आया ना, जन्म आया तो शरीर आया, और शरीर आया कि उसको अनेक प्रकार की व्याधि से कोई मुक्ति नहीं, और ये संसार का प्रदूषण उसके ऊपर आना है। संसार का प्रदूषण क्या है? काम है, क्रोध है, मोह है, बहुत आसक्ति है, सर है, बहुत सारे विकारों के कारण उसकी मूल शक्ति वो लॉस करता है। ही इज मिसिंग हिज मूल शक्ति, जो उसकी ओरिजिनल पावर है, वो पूरी कारण इस प्रदूषण के कारण लिप्त हो जाती है। जैसे कि एक आधे मिरर पे जैसी धूल आ जाती और उसके कारण हमारी इमेज खुद नहीं देख पाते, तो निश्चित रूप से ये धूल साफ करने का काम भी हमारा ध्यान करता है। आपका मूल स्वरूप का दर्शन करने का काम, आपका जो आत्मा है, आपकी जो चेतना है, आपका जो ओरिजिनल चैतन्य है, जिसमें अष्ट गुणों से वह शक्तिमान है, आनंदमय है, निर्भय है, सब कुछ उसमें है, लेकिन हम अपने आप में इन्फिनिटी में चले जाते क्योंकि हम इसमें अटक गए, छोटी छोटी विकारों में हम अटक गए। और ध्यान क्या करता है, ये सब आपको क्लैरिटी, धूल साफ करते करते, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई साबुन नहीं है, मार्केट में ऐसी कोई साबुन है, मार्केट में सिर्फ पानी मिलेगा, बिस्लरी मिलेंगे, उससे स्वच्छ कर सकते हैं आप, अलग अलग साबुन से स्वच्छ बाह्य स्वरूप कर सकते हैं, कपड़े पहन के बाह्य स्वरूप का और डेकोरेट करते हैं, लेकिन आंतरिक स्वरूप को डेकोरेट करना है तो आपको ध्यान से कोई पर्याय नहीं है, ध्यान को कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए अंतर की जो स्वच्छता है, और अंतर की अगर स्वच्छता है तो आपका मन क्लियर होगा, आपकी बुद्धि क्षमता बढ़ेगी, आपका चित्त क्लियर होगा, आप मोक्ष के मार्ग पे दौड़ेंगे, मोक्ष के मार्ग पे लगेंगे। जब तक ये चित्त शुद्धि नहीं होती, तब तक एंट्री नहीं, गेटे नहीं खुलेगा, गेटे नहीं खुलेगा। तो ये गेट खोलने के लिए मोक्ष क्या है, तो मोक्ष बोला जाता है, बहुत जने बोलते कि मोक्ष की अलग अलग व्याख्या है, निर्वाण की अलग अलग व्याख्या है, लेकिन रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ वो जाएगा, वो मुकंदर का सिकंदर कहलाएगा, सब रोते आए थे, लेकिन समाधान से हो ही जाएगा।
जिसको जीवन का सत्य समझाए, जीवन का मरने की सत्य। कला, मरने की हाँ कला जीवन जिसको की, पता। यस, कि क्योंकि हम इस शरीर को ही जीवन समझने लगते हैं, इस जी शरीर ही सत्य समझने लगते हैं और इस दुनिया में अटक जाते हैं। जिसको समझा कि मैं शरीर नहीं है, मैं एक जानने वाला, कोई तरी सोचने वाला, जानने वाला इसके ऊपर बैठा है, वो उसका दर्शन होना ये ज्यादा महत्व होता है। ये जब रियलिटी सत्य का दर्शन आपको होगा तो निश्चित रूप से मोक्ष के मार्ग के आपका मार्गक्रमण शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये ध्यान सब जो है आपका मन बुद्धि चित्त अंतकरण ये अहंकार जाने के लिए, ये सब के लिए, अगर ये क्लैरिटी आपकी आती है तो आपका जो है लास्ट मोक्ष का मार्ग खुलेगा। और मोक्ष का मार्ग क्यों, देखो जन्म आया कि व्याधियां तो आई है, कि कोई कितना भी बड़ा हो एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसको व्याधि नहीं है। हर प्रकार की, तन की तो भी है, मन की तो भी है, नहीं तो धन की तो भी है, नहीं तो धन की तो भी है, तो ये अलग अलग प्रकार के व्याधि। शरीर आया कि ये सब आया, इसीलिए मुक्ति बोला जाता है कि शरीर नहीं है, वो चेतना स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, चैतन्यमय है, वो तो बिल्कुल आत्म स्वरूप, उसको शरीर नहीं है तो व्याधि का कारण ही नहीं है। और हमारे लिए इसीलिए हमने ध्यान करना चाहिए इस जीवन की, मानव देह लाइफ इज अ गिफ्ट इटसेल्फ, ये बहुत अनमोल भेंट हमें भगवान ने दी है, और ये भेंट के लिए ये सार्थक करना चाहिए। ये पृथ्वी पर की विजिट हमारी सार्थक अगर करना है तो उसके ध्यान के सिवा कोई पर्याय नहीं, कोई पर्याय। ये भौतिक जीवन के दुख भी आपको दुख नहीं लगेंगे जब ध्यान की उच्चतम अवस्था आपको प्राप्त होंगी, ध्यान की स्थिति आपको जब प्राप्त होंगी, यू विल एक्सेप्ट एज इट इज, इक्वेलिटी नहीं, इक्विटी से, भाव से आप दुख को भी एक्सेप्ट करेंगे और सुख को भी एक्सेप्ट करेंगे, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा आपका। ये दुख आया तो ऊपर बैठेंगे, दुख आया तो नीचे जाएंगे, सुख आया तो ऊपर बढ़ेंगे, ये बोले तो फिर और अपन भौतिक जीवन में अटक गए। जिस दिन आपको स्थित प्रज्ञता बैलेंसिंग स्थिति आएंगी, उस दिन ध्यान का आपने कुछ तो भी आउटकम आपको मिला है। गीता में बोला जाता है, नसे दुखात उद्वेग सुखाची लालसा नसे, नसे तृष्णा भय क्रोध स्थित प्रज्ञ स्थिरावला। जो हर स्थिति में बैलेंस रखता है वो बैलेंस माइंड कहाँ तैयार होता होगा, तो हमारे ध्यान में होता है, क्योंकि जीवन की सत्यता समझनी होती है। ये हम जो भ्रमित इल्यूशन में अटक गए, इल्यूशन दिस इज माय लाइफ, दिस इज, आसक्ति बढ़ गई है, इसलिए संसार में रहना है तो कमल पत्र को जैसा पानी का लेप लगता नहीं, कमल पत्र अगर उठाते हैं तो पानी का एक बूंद भी उसे नहीं रहता, इस संसार में रहना है लेकिन आसक्ति भी रही। इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना नहीं है, ऐसा नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टू परफॉर्म, जो भी हमारा जॉब है, जो भी हमारी नौकरी है, जो भी संसार की क्रिया है वो करना ही है, लेकिन उसमें बहुत आसक्ति नहीं होना। आसक्ति अगर है तो आपको दुख ज्यादा होगा। गीला नरियल सरीका नहीं रहना है संसार में, सूखे नरियल सरीका रहना है। सूखा नरियल क्या करता कि अंतमति सदगति, वो लास्ट समय फोड़ते तो नरवटी अलग, उसका डौल अलग। और गीला नरियल क्या करता है, फोड़ते हैं तो उसको भी लास्ट अंत समय भी उसको आसक्ति नहीं जाता, आसक्ति नहीं जाता। तो हम एक एक छोटी सी स्टोरी है, एक व्यापारी का अंत अंत समय आता है तो उसको चार बच्चे होते हैं, एक दोनों पाँव के दो बैठे हैं, दोनों हाथों के पास दो बैठे हैं, उनको अंत अवधि के लिए वो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन इसके जब आंख खुलती चारों जने दिखते, चारों भी इधर के पाँव पे, इधर के दोनों हथेले, अरे चारों बच्चों, अरे चारों भी जने दुकान में कौन गया, बोले यानी देखो ये है आसक्ति, ये है आसक्ति। अंत मति सदगति, अंत क्षण तक आपकी मति साबुत रखते हैं तो आपको सदगति मिलना ही है, आपको मोक्ष मिलना ही है। इसीलिए इस जीवन को सार्थक करने के लिए हम थोड़ा सा बिल्कुल एक हमारे जो तेज ज्ञान फाउंडेशन है, सर श्री जी उसके फाउंडर है, मनन आश्रम पुणे में है, और उनका ध्यान महोत्सव जो 25 साल से उनका जो कार्य है, उनका बोलना है कि हर मुझे जो अनुभूति आई, मुझे जो आत्म साक्षात हुआ है, वो विश्व के हर व्यक्ति को होना चाहिए, इसीलिए वो अपना ज्ञान हर लोगों तक बांटना चाहते हैं। ये प्रक्रिया ओम से उनका जो भर रहता है वो ज्ञान पे ही रहता है, ध्यान पे ही रहता है। तो ये महोत्सव शुरू है, ये अपना बेनिफिट लेके मैं हमारे जो क्लिप है, एक 25 मिनट के सिर्फ क्लिप है, वो आपको बताने वाला है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। तेज ज्ञान फाउंडेशन क्या है? एक फास्ट ग्रोइंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं जो लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। तेज ज्ञान देते हैं सरशी एनलाइटेंड मास्टर, जिनको सुनकर आज लाखों लोगों का जीवन खुशियों से भरा है, आनंद से भरा है। तो आइए, तेज ज्ञान की विशेषता क्या है? सिस्टम फॉर विजडम,
तो ज्ञान कैसे मिलता है यहाँ पर? सिस्टमेटिकली मिलता है, जैसे एजुकेशन को एक सिस्टम है, वैसे तेज ज्ञान को सरसी जी ने एक सिस्टम दी है। तो सिस्टम से मिला हुआ ज्ञान हमें तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो ध्यान महाध्यान क्यों बनता है? क्योंकि समझ जोड़ी है, वरना तो हम घंटों भी बैठते हैं मगर वो अनुभव नहीं लेते हैं और फिर उल्टा और थक जाता है मन, क्योंकि ध्यान में बैठने के साथ आँख बंद करके इतने सारे विचार आते हैं जो पहले कभी नहीं आते हैं। मगर समझ मिलती है कि आने वाले थॉट्स को कैसे देखा जाए, तो समझ के साथ ही ध्यान का हम पूरा लाभ ले पाते हैं। तो चलो, हम यहाँ पर आज आए हैं समझने के लिए, आए हैं अपने जीवन में ध्यान का वृक्ष कैसे लगाएं। अगर सवाल पूछा जाए, कितने लोगों को यहाँ पर गुस्सा आता है, क्रोध होता है? कितने लोगों को होता है हाथ ऊपर करे? यस, मैक्सिमम सभी को होता है। कितने लोगों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है? तो वे भी हाथ ऊपर करे। सोशल मीडिया के खोजी भी हाथ ऊपर करे। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करते। कितने खोजियों ने देखा है कि हमारे आसपास के लोगों को तनाव है, डिप्रेशन है, रिश्तों में तनाव बढ़ गया है? ये सब हमने देखा है, मगर खुशी की बात क्या है कि इन सब का समाधान अगर कोई है तो ये ध्यान है। आज मेडिटेशन की दवा हम सबको मिलने वाली है। ये तो प्राइमरी चीज है कि हमारे डिप्रेशन कम हो जाए, हमारे एंजाइटी निकल जाए, मगर मेडिटेशन में बैठकर अपने जीवन का पर्पस हमें पता चलता है। और ये खुशी की बात है कि तेज ज्ञान फाउंडेशन में हमें वो गाइडेंस मिलता है, आसानी से हम मेडिटेट कर पाते हैं। तेज, हमारी प्रार्थना है कि सर श्री यहाँ पर आए और हम सबको मार्गदर्शन दे। हैप्पी थॉट्स। सब मान्यताओं का खेल है, अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। क्या कल्पनाएं लेकर आप ध्यान में बैठ रहे हैं? वे कल्पनाएं ही बाधा हैं। जैसे ध्यान में इंसान बैठा तो उसके अंदर क्या चल रहा है? कल जैसे ध्यान में मजा आ गया था, आज भी वैसा होना चाहिए। और वो चेक कर रहा है, कंटिन्यूस बैठा है, हो तो नहीं रहा कुछ, हो तो नहीं रहा कुछ, क्योंकि उसे पता ही नहीं है ध्यान में क्या गलतियां होती हैं, ध्यान कैसा होना चाहिए। ध्यान कैसा होना चाहिए? निष्काम ध्यान। ध्यान के दौरान कोई भी कामना को महत्व नहीं देना है, तब मन चुप होगा। और ध्यान के दौरान जब कामना उठे तो उसको कहना है, ये समय तुम्हारा नहीं है, तुम बाद में आना। इस वक्त जो ये समय है पूरा डिवोट करना है। और कुछ भी नहीं हुआ तो भी आपको ध्यान में बैठते रहना है तो आपको सफलता मिलने वाली है। हरदम चेक करते बैठेगा। चेकर यानी मन क्या करता है? चेक करते रहता है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी तक विचार कम नहीं हुए, थकावट गई नहीं, तो क्या पाया? तो ध्यान जैसी अमूल्य चीज इंसान के जीवन में नहीं है। जो लोग ध्यान कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए जो मार्गदर्शन है उसे लेकर आप जाएं। जो नहीं कर रहे हैं वे ध्यान को अपने जीवन में लाएं, जीवन में ध्यान का वृक्ष लगाएं। ध्यान के वृक्ष की महिमा क्या है? गांव में कोई पेड़ था जो सड़क के बीच में आ रहा था। दो मित्रों की बातें हो रही है। पहला मित्र कहता है दूसरे से, जो रास्ते में आ रहा था पेड़, उसको काटने के लिए लोग आए हुए हैं। दूसरा पूछता है, अच्छा तो इस वक्त वे किधर हैं? तो पहला वाला कहता है, तेज धूप थी इसलिए उस पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए हैं। ये वृक्ष के साथ संभव है,
जिसे काटने आप आए हो वही आपको छांव दे रहा है। ये पेड़ की महिमा है, तो सोचो ध्यान के वृक्ष की कितनी महिमा होगी। जो भी उसकी छांव में बैठता है वो किस अवस्था को प्राप्त कर सकता है? क्या आपको पता है आज लोगों की ध्यान अवधि कितनी है? सारे लोगों की एवरेज निकाली गई, ध्यान अवधि यानी अटेंशन स्पैन, कि लोगों को किसी विषय पर फोकस करवाना हो कितनी देर टिकता। आश्चर्य होगा आपको कि ये 2004 में 2.5 मिनट था, कि 2.5 मिनट के बाद पर्सन का ध्यान हट जाता है। तभी मोबाइल इतना फॉर्म में नहीं आया था। आज 2024 में ये है 47 सेकंड्स। 47 सेकंड्स में मन उचट जाता है, कुछ तो बदलना चाहिए। तो ऐसी अवस्था मोबाइल की वजह से स्क्रॉल करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं, चंचलता बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है। तो आज ध्यान की जो महिमा है, ध्यान की जो जरूरत है, आज के पहले कभी इतनी नहीं थी जो आज है। आपकी ध्यान अवधि कितनी है और आप इसको रियाज के द्वारा कैसे बढ़ाओगे? प्रतिदिन जो थोड़ा थोड़ा ध्यान करोगे निरंतरता से, किसी ने ठान लिया इतने दिन में ध्यान करने ही वाला हूं और हर महीने वो कर रहा है, तो वो निरंतरता साल के बाद फल देने वाली है। कुछ हो न हो बैठना है, ध्यान में कुछ होता ही नहीं है, बैठकर मेरा समय बर्बाद होता है। इस समय में मैंने 4 काम कर दिए होते थे, तो मन को बहाना नहीं मिलेगा। आप पहले ही ठान लो निष्काम ध्यान मैं करने वाला हूँ, और निष्काम ध्यान से तन की तपन समाप्त होती है। आप सब ने ये तपन महसूस की है जब आपके शरीर पर इमोशंस होते हैं, वो इमोशन सहा नहीं जाता और इंसान को पता ही नहीं है। ध्यान आपके लिए सदा उपलब्ध है, यानी हीलिंग का सोर्स, हीलर आपके अंदर है। जिनको हैबिट है ध्यान करने की, वो तुरंत ध्यान में बैठेंगे। ये इमोशन है ना, लेट इट बी, लेट इट बी, धीरे धीरे देखोगे लेट इट गो, लेट इट गो। ये इमोशंस की तपन शांत होने लगेगी, ठंडक आने लग जाएगी, और मन में अज्ञान की जलन, ये इंसान का दुख है, इससे मुक्त होने के लिए भी आप ध्यान की शक्ति को पहचाने। और फिर इस पेड़ की 4 मुख्य टहनियां हैं, तो ये आपको बताएंगी कि आप ध्यान में इन चीजों को जागृत करने वाले हो। पहली जो टहनी है, एक कुल्फी की डंडी की तरह आप देख रहे हो ना, ये आपको पकड़नी है ध्यान की डंडी, ताकि ये OTT जो है आपके जीवन से समाप्त हो। OTT क्या है? ओवरथिंकिंग ट्रबल। ओवरथिंकिंग चल रही है क्योंकि सेंटर ही गायब है। जहां से सोचना है ना, वो रेफरेंस पॉइंट ही गायब है, तो विचार रैंडमली घूमते हैं, तो बोलते हैं ओवरथिंकिंग ट्रबल। और इसी से ही स्ट्रेस तैयार होता है, इंसान चुप बैठ ही नहीं पाता है, और इसी स्ट्रेस की वजह से क्या है, बीमारियां ही बीमारियां। तो हेल्थ के लिए आपको पहली ब्रांच बताई गई,
दूसरी ब्रांच देखो, ये आर लिखा है, आर है रिएक्शंस, आपकी खत्म होने लगती है। किसी ने कुछ कहा, आप तुरंत रिएक्ट करते हो, खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। सामने वाले ने कहा आपका आज मूड अच्छा लगता है, तो क्या वैसे खराब रहता है? दोनों का मूड खराब। ध्यान में क्या होगा, आप बैठे हो खुजलाहट हो रही, तब तुरंत ऐसा नहीं करोगे, आप बोला अच्छा इधर खुजलाहट हो रही है। प्रतिक्रिया विलंब, यानी आप उसको खुजलाएंगे मगर पहले जानते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, फिर भी ध्यान टिकाते हैं। आपको ध्यान में होल्ड करना आ जाता है। तो ये रोज के ध्यान के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे, तो मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा होने लगता है। तीसरी ब्रांच जो कहा, पर्पस ऑफ लिविंग, आपको मालूम पड़ने लगता है। आजीविका लक्ष्य रखो मगर ये मनी किस लिए थी उसे पहचानो, पैसा रास्ता है लक्ष्य नहीं। आखिर में क्या पृथ्वी पर करने वाला हूं, बचा हुआ जीवन, सारा पैसा मिल गया उसके बाद क्या करने वाला हूं, ऐसा कुछ होमवर्क किया ही नहीं है, तो ये होमवर्क शुरू हो। चौथी ब्रांच जो है स्वयं की पहचान, आप कौन हो, परम मौन में पहचान होती है। परम मौन आने के लिए आपको ध्यान से गुजरना होता है। स्वयं की पहचान जो अनुभव की बात है, शब्दों में बताकर फायदा नहीं, तो वो आप ध्यान करके देखने वाले हैं। तो सभी आंखें बंद करके कुछ देर बैठें। सबसे पहले सद्भावना स्वयं के लिए, ईश्वर मुझे शांति दे, गॉड ब्लेस मी, मैं ईश्वर का प्यारा बच्चा हूं, ईश्वर मुझे शांति दे, मेरे शरीर को रिलैक्स करे, सारी सकारात्मक शक्तियां मुझे मदद करें, और अब इस भावना में अगला स्टेप जोड़ेंगे, आवाजें सुने, चारों तरफ से जो भी आवाजें आए ये ईश्वर का संगीत है, फैन की आवाज हो, कुछ चीजों के सरकने की आवाज हो, ट्रैफिक की आवाज हो, बच्चों की आवाजें हो, नॉइज हो, का ईश्वर बजा रहा है, चाहे ये इनकोडेड है मगर ईश्वर बजा रहा है। और क्या क्या आवाजें हैं सब सुनो, संगीत के अंदर जो जो वाद्य बज रहे हैं सबको सुनो, और इस समझ से सुनो कि प्लेड बाय गॉड, मेड बाय गॉड, कंपोज्ड बाय गॉड, मन भी जो बड़बड़ कर रहा है वो ईश्वर द्वारा कंपोज्ड है। अब सब लीला देखो, खेल देखो, अब श्वास पर आ जाओ, अंदर जाती हुई श्वास को वन कहेंगे, बाहर जाती श्वास को वन कहेंगे, एक साइकिल पूरी हुई, बिना जोर जबरदस्ती से जैसे श्वास चल रही है नंबर देना शुरू करो, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर, भूल गए तो वापस वन से स्टार्ट करना है। प्रेम से
बिना हड़बड़ी बिना जल्दबाजी के। अब ध्यान में जो भी विचार आएंगे केवल आसमान में चलने वाले बादलों की तरह उनके पीछे पीछे नहीं जाएंगे। एक विचार आकर गया, आप कहोगे नेक्स्ट क्या आता है देखते, नेक्स्ट, कोई विचार के पीछे नहीं जाना है, नेक्स्ट कहके बैठना है। अच्छा नेक्स्ट क्या है देखते, नेक्स्ट क्या देखते हैं। हम बैठे हैं यह कुदरत को संकेत है कि हमें सब स्वीकार है। इस वक्त वर्तमान में जो भी चल रहा है वो मुझे स्वीकार है। अपना स्वीकार भाव बताने के लिए दिखाने के लिए हम अपने शरीर और अपनी सांस के द्वारा संकेत देते हैं कि मुझे सब स्वीकार है। अंदर जाती हुई सांस के साथ मन में कहो स्वीकार स्वीकार स्वीकार। अंदर जाती हुई सांस के साथ कहें स्वीकार। इस वक्त जो भी चल रहा है, एट दिस मोमेंट व्हाट एवर इज हैपनिंग इज एक्सेप्टेड। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार किया जा रहा है। श्वास जैसे चल रही है चलने दें, कभी श्वास रुक गई है स्वीकार। आंखें खुलवाई जाएंगी नहीं खुलवाई जाएंगी स्वीकार। थक जाओगे स्वीकार। जब कुछ न हो तो अस्वीकार को भी स्वीकार। बहुत हल्का फुल्का लगे तो स्वीकार, निर्विचार अवस्था है स्वीकार। इस वक्त आप पृथ्वी पर ऐसी अवस्था में हो जहां सब स्वीकार है। लाइट बंद हो जाए, बारिश आ जाए,
स्वीकार। कोई उठा दे बीच में, स्वीकार। स्वीकार करना भूल गए, स्वीकार। सबसे पहले वर्तमान को स्वीकार करना सीखना है। स्वीकार भाव जारी रखते हुए सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जिंदा होने का अनुभव, सेंस ऑफ प्रेजेंस। इस वक्त आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो। और अभी इसी एक्सपीरियंस में कुछ एक्टिविटीज भी होंगी। आपको कल से ही ये चैलेंज शुरू करना है, ध्यान चैलेंज, मिनी ध्यान मैराथन। एक छोटी मैराथन हम शुरू करने वाले हैं। मैराथन का अर्थ है मेरा उत्थान, जो रियल आप हो उसका उत्थान, उसकी जागृति। और उसमें क्या करना है, 15 दिन आपको रोज ध्यान करना है। और ये ध्यान आपको मिल जाएगा संपूर्ण ध्यान, तो वो 20 मिनट का ध्यान चलेगा 15 दिन कंटिन्यूस। और उसमें समझो आपने पहले दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, तो तीसरे दिन को क्या कहोगे, नंबर 1। एक दिन बीच में नहीं हो पाया तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, कल से वापस 1, 2, 3, 4, 10 हो गए, 11 हो गए, 12वां नहीं हुआ, फिर 1। ये 15 दिन का चैलेंज है आपको, 15 दिन लगातार एक भी दिन खारिज नहीं हुआ। तो आप रात को सोने से पहले भी कर डालोगे अगर आपका दिन मिस हो रहा है, तो कहोगे वरना वापस से 15 दिन है। तो वो जो चैलेंज है यानी संकल्प शक्ति, आप ये चैलेंज स्वीकार करो, 15 दिन पूरे करो, इस ध्यान के समुन्द्र में डुबकी लगाएं, नया जन्म पाएं। चैलेंज शुरू हो चुका है, आप अपना ध्यान जारी रखें। यहाँ आकर आप सब ने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट। जो सर श्री ने बताया कि इस ध्यान के इस क्लिप का मतितार्थ मैं बताता, कि हमारा जो है कि पहले तो हमारा पर्पज ऑफ लाइफ, हमारे ध्यान के हमारा सही मायने में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये होता है। उसके बाद में रिएक्शन, हम क्या करते हैं हर बात में इमीडिएट रिएक्ट होते हैं, तो वो रिएक्शन हमने थोड़ा रोकना पड़ेगा। क्योंकि अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति में अगर आपने देखा, तो ही नेवर रिप्लाई टू द क्वेश्चन, वो घाई नहीं करता कभी, ही रीड द पर्सन, वो सामने वाले को रीड करता और फिर रिप्लाई करता। हमारा क्या होता है, बॉल आए कि बैट मारते, बॉल आए कि बैट मारते, इतनी घाई रहती है हमें कि कब मैं इसका आंसर देता, इतनी घाई रहती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान के कारण आपका पेशेंस बढ़ेगा, आप रिएक्शन जो है वो इमीडिएट नहीं करेंगे। तो ये उसका, और आखिरी जो हमने डिस्कस किया कि आखिरी हमारा हम कौन है, ये भी आपको ध्यान में पता चलेगा। और ये सब हमारा स्ट्रेस, टेंशन, पॉजिटिविटी, दीज आर द बाय प्रोडक्ट। तो और हमारा जो ओवर थिंकिंग है, पहली जो ब्रांच सरसरी ने बताया कि इसके 4 ब्रांचेस है, ओवर थिंकिंग कम होंगी आपकी, आपकी रिएक्शन प्रॉपर होंगी,
आपका पर्पज ऑफ लाइफ अच्छा होगा और स्व का दर्शन होगा। तुम गया तो ध्यान अगर आपके जीवन का पार्ट बनता है तो आपको उसका रिजल्ट आना ही आना है, नहीं तो 2 दिन में फा फा श्वास निकाला बाहर फेंका, 2 दिन में 2 दिन आंखें लगाए, अरे कुछ तो नहीं होता, ध्यान से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो भी क्रिया कष्टदायी होती है वो फलदायी होती है। हमारे माहितकर जी जो जोन से जुड़े हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और जब भी हम मिलते हैं तो हैप्पी थॉट्स बोलते हैं, सभी को हैप्पी थॉट्स। और हमारे प्रमोद जी पाटनकर इस अभियान के प्रमुख है, वो भी ज्वाइन हो गए, प्रमोद जी भी ज्वाइन हो गए, तो हमारे बंसोड़ सर भी ज्वाइन वाले, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और मुझे लगता कि ये आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अब आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल 7:15 हो गए, आनंदमल सर का बिल्कुल शार्प ख्याल रहता है कि कितने बजे हमको बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे समय पे कंक्लूड करना चाहिए, समय पे स्टार्ट करना है, बिल्कुल सुबह 6 बजे उनके फूल शुरू हो जाए, अरे लगा ही नहीं ली, तो ये होता है अलर्ट अपने प्रति, अपने दायित्व के प्रति, ये दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। तो इतने उम्र में तो मैं उनको कभी ओल्ड नहीं बोलूंगा, ही इज अ क्या यक्स यंग मैन, माजी तरुण, माजी तरुण। तो यस माजी तरुण, हमारे आनंदमल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी दहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति पाठ करते और उसके बाद में रिएक्शन लेके सबने रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे के मुस्कान और हाथ को अनाज चक्र को स्पर्श करना है, आंखें कोमलता से बंद है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महाकश्चित् दुःख भाग्वित्। ओम शांति शांति, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, जो जे वांछिलते तेला हो प्राण जाता। हैप्पी थॉट्स, सभी को प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम, ईश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो निश्चित रूप से पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, हैप्पी थॉट्स। और जिन्हें भी कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, जिज्ञासा है। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? अशोक जी जय जिनेन्द्र, आज डांगे सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। संसारी अवस्था में कर्म के कारण लोग हीन और बड़े होते हैं, लेकिन अपने अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति का भंडार सब में होता है, हमें उसे जगाना है और उसे पाने का प्रयास करना है। उसके लिए बताया कि ध्यान सबसे अच्छी प्रक्रिया है, और एक गीत के 2 पद्य गाता हूँ। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए, यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए, यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए, मानव तन रतन मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है, मानव तन रतन मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है, कोड़ी में इसको कभी न खोना चाहिए कि पावन होना चाहिए, जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए, थोड़ी सी करके हिम्मत, आको जीवन की कीमत, थोड़ी सी करके हिम्मत, आको जीवन की कीमत, मक्खन पाने पानी को न बिलोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए, यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। और एक बात कहता हूँ, अपने को MP के फिटनेस क्लास मिली है, तो उससे अपन
इस नैया से पार हो सकते हैं, उसके लिए एक पद्य है। धरती तैयार पड़ी है, मिलती उपदेश झड़ी है। धरती तैयार पड़ी है, मिलती उपदेश झड़ी है। संयम का बीज यहाँ पर बोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। ओम ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बहुत मिनट, सुंदर, हमारे हमारे हैप्पी थॉट्स के जो घुसोन के पदाधिकारी है प्रमोद जी माइतकर सर, वो ज्वाइन हो गए, तो उनका भी 2 मिनट हम सुन लेते हैं। तो प्रमोद जी को हैप्पी थॉट्स और रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल आप कुछ बातें रख सकते हैं प्रमोद जी। यस, आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राजू डांगे सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संवाद मंच के माध्यम से यह एक सुंदर विषय आप सभी के समक्ष रखा। बहुत अच्छा सुंदर ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है, मैं भी बीच बीच में जुड़ने का प्रयास करते हूँ, मैं भी योग से जुड़ा हूँ। और योग और ये ध्यान एक दूसरे से पूर्णता इंटरलिंक है, जैसे बहुत ही गहरा और सुंदर विषय जो है वो सरस्वती जी हमें 25 मिनट में रखते हैं। वैसे तो राजू सर ने बहुत बातें बताई है, तेज ज्ञान फाउंडेशन अब 25वें साल में पदार्पण कर चुका है, और उसके माध्यम से ही हम 25 मिनट का वीडियो जो सरस्वती जी का है वो पूरे विश्व में, यानी हमारा तो टारगेट, हमारा पहला टारगेट जो है वो 25 लाख लोगों तक हम ध्यान का महिमा पहुंचा पाए। ध्यान और योग, एक्सरसाइज, व्यायाम, ये जो है ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, मानव के विकास के लिए ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सरस्वती जी, अब ये जो ध्यान पर है इस पर फोकस कराना चाहते हैं समूचे विश्व का। वैसे तो हम ध्यान जानते हैं, मेडिटेशन जानते हैं, अलग अलग पंथों में, अलग अलग इसमें समाज में अलग अलग पद्धति से ध्यान किया ही जाता है, लेकिन सरस्वती जी का जो मेडिटेशन है वो एकदम सरल और गाइडेड मेडिटेशन होता है, यानी उसमें ध्यान लगता है, बहुत जल्दी ध्यान लगता है, ऐसा सभी का अनुभव है। तो हम 25वें साल में ये 25 लाख लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, और हमारे, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे राजू डांगे सर, वंदना डांगे मैडम हमारे हैप्पी थॉट्स से जुड़े हैं, वो हमारे खोजी है और वो निरंतरता से अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो इस मंच में भी आप सभी लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने का उनका जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, तो वे विश्व में ये जो बातें हैं ये सभी पहुंचना जरूरी है, मानव का विकास जो है, जैसे बहुत सुंदर गीत गाया है और हमारे अशोक सर और अभी जो आनंद सर है वो, उन्होंने भी बताया कि सब ज्ञान जो है वो हमारे अंदर ही है, इंसान अंदर, इंसान अंदर जागता ही नहीं और या उससे वो भागता है। तो ये अगर हम सीख जाए, हम थोड़ा कन्विक्शन के साथ में इधर आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है हमारे फैमिली मेंबर्स हमको देखते हुए उनकी, उनमें भी और बातें आ सकती है और वो धीरे धीरे समाज तक पहुंच सकती है। तो ये जो हैप्पी थॉट्स वाली बात है ये बहुत ही सुंदर है, और तेज ज्ञान फाउंडेशन, सरश्री और हैप्पी थॉट्स अगर हम गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो बहुत ही सुंदर वीडियो और तेज ज्ञान फाउंडेशन का परिचय आपको वहां पर मिल सकता है, और बहुत डिटेल बातें हैं। अगर अगर कुछ बाकी एक आध बार अगर चांस आया तो और बातें करेंगे ही। आपने सेवा का मौका दिया, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, राजू सर का धन्यवाद, और अभी सभी उपस्थित सभी श्रवणकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बहुत थॉट्स, बहुत धन्यवाद प्रमोद धन्यवाद सर, प्रमोद जी, खूब बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी थॉट्स। और आनंदमल सर भी हमारे एमपीके के फाउंडर है, कल्याणम योगा सूरत से हमारी अलका जी है, और देश प्रदेश से लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी की जिज्ञासा है तो पूछ सकते, बिल्कुल। अभी चंदा जी चोपड़ा ने अपने आप को अनम्यूट किया, चंदा जी बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र। मैं ये बोलना चाहूंगी कि ध्यान तो मतलब पूछे ही मत कि क्या चीज है। इससे जो करता है वो इसका महसूस कर सकता है, इसमें जो आनंद आता है, मतलब ये देखिए कि मोक्ष का द्वार है, ये सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की। अगर इसमें बैठ गए तो आपको कोई असुविधा कोई भी नजर नहीं आएगी, आपको सब चीजें सुविधा ही नजर आएगी। मतलब आप अपने आप को इतना मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं ध्यान करने के बाद में कि इसका अनुभव मुझे बहुत अच्छा है।
मैं जब से जुड़ी हूँ मैं एक दिन के लिए भी इसे मिस नहीं करती हूँ, सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो, और अक्सर मैं सुबह करती ही करती हूँ, कभी मिस नहीं करती, चाहे कैसा भी टाइम हो, चाहे कैसे कुछ भी हो, पर मैं करती ही हूँ। और ये जरूर सबको करना चाहिए, इसी से जुड़ना चाहिए सभी को, क्योंकि यही हमें आगे ले जा सकता है। आप कितना ही सामायिक प्रतिगमन कर लीजिए पर उसमें आपको चेंजेस नहीं मिलेगा जितना चेंजेस हमें ध्यान से मिलता है। मुझमें बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं, मैं क्या गिनाऊं, बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सभी को ये चीज करनी चाहिए जरूर। जो ओम मेरे को अरहम जिन्होंने जोड़ा इस हर से, सविता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी जिन्होंने मुझे एमपीके से जोड़ा, और इसी के कारण मैं इससे भी जुड़ पाई हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय अरहम जिनेंद्र। ओम अरहम ओम। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद, बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर। मैं भी आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ, प्रेक्षा ध्यान करता हूँ और प्रेक्षा ध्यान सिखाता हूँ। प्रेक्षा ध्यान का गोल्डन जुबली ईयर चालू हो रहा है, 50 वर्ष संपन्न हो रहे हैं। 30 सितंबर से ये गोल्डन जुबली वर्ष चालू हो रहा है, तो इस वर्ष हमने भी लक्ष्य रखा है प्रेक्षा ध्यान को जन जन तक पहुंचाना है। प्रेक्षा ध्यान प्रक्रिया हो चाहे कोई भी ध्यान हो, हमारे देश में जितनी भी ध्यान पद्धतियां चल रही है सबका लक्ष्य एक ही है, और रास्ता अलग हो सकता है, मंजिल सबकी एक है, सबकी मंजिल एक है। हमें दिल्ली जाना है तो कोई ट्रेन से जाता है, कोई फ्लाइट से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई लेट पहुंचता है, कोई जल्दी पहुंचता है, लेकिन पहुंचता जरूर है लक्ष्य पर। तो इसी तरह हमारे जो लक्ष्य है उसके मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग है। तो प्रेक्षा ध्यान जो आज डांगे सर ने जो बात बताई, प्रेक्षा ध्यान के जो 5 सूत्र बताए गए उसमें सूत्र बताया गया प्रतिक्रिया विरति, कोई प्रतिक्रिया नहीं। डांगे सर ने भी ये बात कही तो मुझे ध्यान में आया कि हमारा प्रेक्षा ध्यान का भी लक्ष्य है कि प्रतिक्रिया विरति। और जो जैन धर्म में जो बात कही गई है मोक्ष की, उसके लिए कर्म निर्जरा के कई माध्यम बताए गए, कई माध्यम बताए, उसमें सबसे उत्तम मार्ग जो है, सबसे श्रेष्ठ मार्ग है वो ध्यान है। तप हर एक से होता नहीं है, तपस्या भी बहुत एक अच्छा मार्ग है लेकिन हर एक से तपस्या होती नहीं, लेकिन ध्यान तो हम कर सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करने से हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और हमने अभी अभी 3 4 4 महीने हो गए, 4 महीने से जो डीप मेडिटेशन शुरू किया हमने सुबह 5:30 से 6:30 बजे, आधे घंटे का बहुत बढ़िया, बहुत जो बढ़िया। रिजल्ट आ रहा है आप सोच नहीं सकते। एक ध्यान हम 21 दिन तक करते हैं, इसमें हमारे ध्यान के जो अलग अलग अंग है, एक ध्यान 21 दिन तक चलता है, उसके बाद हम दूसरा ध्यान शुरू करते हैं। तो 21 दिन ध्यान करने का जो महत्व तो डांगे सर ने बताया, अभी 21 दिन कंटिन्यू, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए इसमें। 21 दिन कंटिन्यू करने करने से ही उसका रिजल्ट आपको आएगा। तो डीप मेडिटेशन से भी सैकड़ों भाई बहन जुड़े हुए हैं और इससे लाभ ले रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन, हमारा 5:30 से 6 का जो डीप मेडिटेशन का प्रैक्टिकल प्रयोग रहता है उसमें जरूर जुड़िए, और ध्यान का संकल्प सबको लेना है, 30 मिनट का ध्यान प्रतिदिन, 30 मिनट का ध्यान प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम जब भी आप फ्री हो जरूर करना है। ये संकल्प अगर आप लेते हैं तो निश्चित हमारा कल्याण होने वाला बिल्कुल है। और किसी को कुछ है क्या, जिज्ञासा होंगी तो पूछ सकते, नहीं तो समापन की ओर। समय समय 7:30 हो रहे हैं, हमें समय पे संपन्न भी करना है, तो दोनों हाथ जोड़ते हुए आपकी कोई जिज्ञासा हो आप लिख के भी भेज सकते हो, प्रश्न कोई हो तो हम डांगे सर तक पहुंचाएंगे और उनका जवाब भी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें, मैं मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय मैं आनंदमय हूँ, हूँ, मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, गुरुदेव हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन आपके क्या, साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गुरुदेव क्या, त्रिवेणी संगम की तरफ से। अशोक जी आपसे निवेदन, स्लोगन के साथ समापन।
जय जिनेंद्र। कैसे बदले जीवन धारा प्रेक्षा ध्यान साधना द्वारा, कैसे बदले जीवन धारा प्रेक्षा ध्यान साधना द्वारा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज एक घंटा रोज, फिटनेस का डोज एक घंटा रोज, फिटनेस का डोज एक घंटा रोज। आरोप।